हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरिंदर सिंह राणा और आज आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल हरिंदर टीचिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, आज मैं उसी का फोर्थ चैप्टर आपको डब्ल्यू टाइप सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो, एक्सरसाइज हमारी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बाद बराबर आप। तो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। Yes, तो इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज चलेगी? भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चलेगी और आज हमारा ये लास्ट भाग है डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, अब लिखो तो पहचान। तो कौन सी एक्सरसाइज है? फ्यूचर परफेक्ट। इसमें कौन सी है? डब्ल्यू एच टाइप। इसमें कौन सी बात बराबर? ये क्या है इसकी? क्या है? जैसे सेंटेंस के दोनों बाद से होने बीच क्या है? प्रश्न वाचक क्या, क्यों, कैसे हैं? प्रथम बनने वाले भाग सबसे क्या यूज होगे? डब्लू 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 एच लगाकर सब्जेक्ट के क्या यूज होंगे? डू कॉमा जोड़कर सब्जेक्ट के मुख्य क्रिया क्या यूज होगी? लगाकर आफ्टर के बनने वाले मैं सब्जेक्ट आई वी के क्या यूज होगी? सेल कॉमा सेल एम यूज होंगे और अन्य सभी के क्या यूज होगी? विल लगाकर मुख्य क्रिया क्या यूज होगी? का प्रयोग अंत क्या यूज होगे? क्वेश्चन ये क्या है? एज मीन्स सूत्र। तो ये सबसे पहले क्या आएगी? डब्लू 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 क्या है इनकी फुल फॉर्म? बाट वाई वेयर आओ। फिर डू कॉमा किसके अनुसार? सेकंड प्लस नॉट। फिर फर्स्ट फॉर्म किसके अनुसार? फर्स्ट फॉर्म किसके अनुसार आएगी? डू कॉमा डज प्लस सेकंड प्लस 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 सेल प्लस विल प्लस प्लस फर्स्ट प्लस क्या यूज होगे? ये क्या है हमारा? क्या है एग्जाम्पल? किस में से बनाना है हमें? काय में से? सूत्र। और सबको यहीं पे गौर देना है, देखो सभी से पहले कि मोहन के कमरे में हिंदी पढ़ने के लड़के सड़क पर क्यों नहीं दौड़ चुकेंगे? तो सबसे पहले व्हाट व्हाई वेयर हाउ में से हमें एक वर्ड लेना है और वो कहां से लेना है ये देखना है कि टेंस में है क्या वर्ड। किसमें? सेकंड सब्जेक्ट मतलब दूसरा टेंस में। एक टेंस हमारा ये है और दूसरा टेंस यहाँ पे, ठीक है? दो टेंस है ये, दे रहा है दिखाई दो टेंस? Yes, तो हमें सबसे पहले दूसरे वाले टेंस को बनाना है और दूसरे वाले टेंस में ये चीज देखना है कि यहाँ पे चाहे तो क्या होगी या क्यों या कहाँ, ठीक है, या कैसे। इन वर्डों में से एक वर्ड होगा उसकी मीनिंग सबसे पहले लगती है, जैसे इसमें है क्यों, तो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? किसकी आएगी? वाई मीन्स क्यों, क्यों की मीनिंग कंप्लीट होगी। अब इनमें से हमको या तो डू लेना है या डज, वो भी किसके अनुसार? लड़के, ठीक है, लड़के के अनुसार। लड़के एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। और बहुवचन के साथ क्या चीज यूज होती है? क्या यूज होगी? डू डी ओ डू कंप्लीट होगी। अब सेकंड सब्जेक्ट कौन है?
लड़के और लड़के की मीनिंग क्या होती है? बी ओ वाई बॉयज होगी और नहीं भी है इसमें तो सेकंड सब्जेक्ट बॉयज कंप्लीट होगा, फिर क्या आएगी? क्या आएगी? नॉट। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी? दौड़ने की क्या मीनिंग? रन कंप्लीट होगी किस पर? सड़क। और सड़क पर की मीनिंग क्या होती है? ऑन द आर ओ रोड मीन्स। अब किसकी आएगी? बाद। और बाद की मीनिंग क्या होती है? ए एफ टी ई आफ्टर मीन्स उसके बाद। फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? मोहन। एम ओ एच ए मोहन कंप्लीट। उसके बाद पढ़ने की आएगी, पर हमें देख रहे हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा था मोहन, और मोहन के अनुसार सेल हैव आएगी, विल हैव क्या आएगी? विल। सेल हैव क्यों यूज नहीं हुई यहाँ पे? क्योंकि मैं और हम के साथ क्या यूज होती है? अन्यथा सभी के साथ विल हैव लग गई। उसके बाद क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म किस में? पढ़ने में। और पढ़ने में की मीनिंग क्या होती है? आर ई ए रीड। रीड मीन्स किस्म के, किसकी आएगी? हिंदी। रीड द एच एच आई एन डी हिंदी कंप्लीट होगी किस में? कमरे। और मैं की मीनिंग क्या होती है? इन। और कमरे की क्या आएगी? आर डबल ओ रूम मीन्स। अंत में क्वेश्चन आया समझ में? भाई हमको ये देखना है कि या तो बनाओ सूत्र के अनुसार या डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि डेफिनेशन में भी देखा होगा कि सबसे पहले डब्ल्यू डब्ल्यू एच आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज जोड़ना है हमें, फिर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एक टेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दूसरा टेंस यहाँ से बनेगा आफ्टर के बाद बनने वाले भाग में, मतलब सब्जेक्ट आई वी मतलब मैं और हम के साथ तो सेल हैव, अन्य मीन्स सभी के साथ विल हैव लगाकर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और ये ही हमने सूत्र इसमें से लिया, डेफिनेशन में से ये लिया नहीं, सबसे पहले डब्ल्यू डब्ल्यू एच लिया था, उसके बाद डूडज डूडज ले लिए, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ये आ गई यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आफ्टर, आफ्टर ये रहा यहाँ पे यूज होगी, उसके बाद सेल हैव, सेल हैव, फिर विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बचा हुआ भाग फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आया समझ में? भाई हमें तो सबसे पहले दूसरे वाले वाक्य को बनाना है, पहले को छोड़ना है, तो इसको यहाँ से के तक एक इसको तोड़ लो, फिर लड़के से सड़क से दौड़ चुकेंगे यहाँ से तोड़ लो, पर बनाना है हमें सबसे पहले इस टेंस को, और इसमें भी क्या क्यों कैसे की मीनिंग को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, आया समझ में? लास्ट टेंस देखो, सभी देखो, लिखना बंद करो। राधा के बाजार में कपड़े खरीदने के पिताजी फल क्यों नहीं कि खा आए समझे? पिताजी फल क्यों नहीं खा चुकेंगे, तो किसकी आएगी सबसे पहले मीनिंग? किसकी आएगी? क्यों। और क्यों की मीनिंग क्या होती है? डब्ल्यू एच वाई मीन्स क्यों। उसके बाद क्या आएगी? डू आएगी? डज क्या आएगी? क्या ना है? डज क्यों आए? किसके अनुसार आए डज? क्यों। और क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाय। अब पिताजी के अनुसार डू लगेगी डज, क्या यूज होगी? डज। उसके बाद किसकी मीनिंग आएगी? एफ ए टी फादर मीन्स पिताजी, फिर किसकी आएगी? नहीं की। और नहीं की मीनिंग क्या होती है? नॉट। उसके बाद किसकी? खाने की मीनिंग क्या होती है? क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? फल। और फल की मीनिंग? एफ आर यू आई फ्रूट मीन्स। उसके बाद
किसकी आएगी? बाद। और बाद की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर। उसके बाद किसकी मीनिंग आएगी? आर ए डी राधा के अनुसार क्या लगेगी? विल है। उसके बाद खरीदने की मीनिंग क्या होती है? क्या होती है? और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बोट की स्पेलिंग बी ओ यू। बोट मीन्स क्या खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं? सी एल ओ। क्लॉथ मीन्स कपड़े। किसमें? बाजार। और बाजार में की मीनिंग क्या होती है? एम ए आर। मार्केट मीन्स अंत में क्वेश्चन। तो किसकी मीनिंग लिखना है सबसे पहले? क्यों? और टेंस कौन सा बनाना है? इसको बनाएंगे ना टेंस को? भाई हमको वन टेंस नहीं बनाना, टू को बनाना है सबसे पहले, ठीक है? और टू में ये देखना है कि क्या क्यों कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्यों कैसे की मीनिंग को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू लगाना है या डज, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो नॉट है तो नॉट यूज करो वरना फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है? और आफ्टर मतलब फिर बनाएंगे हम पहले वाले भाग को, इसको। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब फिर किसको बनाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट टेंस को बनाएंगे। और फर्स्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार या तो लगेंगे शैल हैव या लगेंगे विल हैव, और शैल हैव विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या यूज होगी फिर? थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है? फिर अंत में क्या लगेगा जब टेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा? क्या क्या यूज होगा? क्वेश्चन। समझ में आया? डेफिनेशन आई समझ में? एज भी और जैसे भी? Yes, चलो तो इन्हें कॉपी करो। तो फ्रेंड्स मैंने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नंबर 4 डबल स्टेप सेंटेंस के बारे में बताया था। मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक लिए नाइस मीटिंग यू, टेक केयर।